हेलो फ्रेंड्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज हम रामचंद्र सर जी आपको पहाड़ा जोड़ने के कुछ ट्रिक के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिससे आप 10 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी पहाड़ा को जोड़ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हमने लिखा है कि पहाड़ा जोड़ने के नियम, तो इसके अंतर्गत हम पहला ले रहे हैं उदाहरण। जैसे हमको 5 का पहाड़ा, जोड़ना है, तो हम जो नियम बताएंगे बहुत ही सटीक, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। जैसे 5 का पहाड़ा जोड़ना है, बस आप 5 के पहाड़ा को 5 बार, यानी 5वीं बार वो क्या आता है, तो 5 पचे 25 लिख दिए, फिर एक अंक छोड़ करके इसी को लिख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, जो फल आएगा वह यही होगा 275। यानी यदि हम 5 के पहाड़ा को जोड़ दें तो उसका जो फल 275 ही होगा। उसी प्रकार यदि हम 15 का पहाड़ा जोड़ना है, तो यदि हम 15 के पहाड़ा को जोड़ रहे हैं तो हम 15 का पहाड़ा 5 मरतक, यानी 15 पचे 75, और फिर इसी को एक अंक छोड़ के लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे 825। हमने इन दोनों को जोड़ा है। यहां ये ध्यान रखना है कि 5वें मर्त को लिखना है और फिर उसी संख्या को एक अंक छोड़ के लिखना है और जोड़ देना है। जो भी योगफल आएगा वही उस पहाड़ा का कुल योगफल होगा। तो आप देख रहे हैं, यानी 15 के पहाड़ा को यदि हम जोड़ें तो हमारा योगफल 825 होगा। उसी प्रकार थोड़ा सा और हम थोड़ा कठिन पहाड़ा को लेते हैं। जैसे 28 का पहाड़ा, 28 का पहाड़ा जोड़ना है, तो हम 28 का 5वां मर्त। एक चीज और आपको बता दें, किसी भी संख्या में यदि 5 से गुणा करना है तो ये बहुत आसान है। आप क्या करिए कि उस संख्या के ऊपर एक जीरो बढ़ाकर उसमें 2 से भाग दीजिए, जो आएगा वही उसका 5वां मर्त होगा। जैसे यदि यहाँ 28 है, यदि इसका 5वां मर्त निकालना है, यानी इसका यदि इसमें 5 से गुणा करना है, तो आप एक इस पर जीरो बढ़ाइए और फिर इसका आधा कर दीजिए, यानी 140। 140 जो होगा 28 का 5वां मर्त होगा। फिर हम इसी को एक अंक छोड़ के ऐसे लिख देंगे, तो आप देख रहे हैं यह जो प्राप्त हुआ 1540, यह 28 के पहाड़ा का कुल योगफल है। तो आप समझ गए होंगे, किसी भी पहाड़ा को जोड़ना हो तो उसके 5वें मत को लिखेंगे और फिर उसी संख्या को दाहिने तरफ से एक अंक छोड़ के लिखेंगे और उसे जोड़ देंगे, और जो जो फल प्राप्त होगा वही उस पहाड़ा का कुल योग होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में खूब शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसे देख करके इसे समझ सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।